मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत के आग्रह पर आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी देवमाली गांव पहुंची। डिप्टी सीएम ने ग्रामीण भवरलाल गुर्जर के आवास पर भोजन किया। मंदिर पहुंचकर देवनारायण भगवान के दर्शन किए। देवमाली गांव में भ्रमण कर ग्रामीण संस्कृति से रूबरू हुई। मसूदा विधायक ने देवमाली में रोप वे समेत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं से जोड़ने की मांग की और साथ ही मसूदा से देवमाली तक 4 लाइन रोड बनाने की भी मांग रखी। डिप्टी सीएम के दौरे के दौरान देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना भी उनके साथ मौजूद रहे। बता दें, हाल ही में देवमाली को बेस्ट टूरिस्ट विलेज के अवार्ड से नवाजा गया था। बिल्कुल, आज मैं देवमाली आई हूँ और दर्शन भी किए। भगवान देवनारायण जी के मंदिर में दर्शन भी मैंने किए और यहाँ जो गांव है जिसको कि अवार्ड भी मिला है, केंद्र सरकार ने इसको बेस्ट विलेज का अवार्ड दिया है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सारे जो घर हैं मिट्टी के अभी बने हुए हैं। यहाँ कुछ भी इन्होंने पक्के मकान नहीं बनाए हैं और कम से कम 300 से ज़्यादा मकान है यहाँ पर, 550 मकान है। और यहाँ बिल्कुल ये लोग अपने पर्यावरण को बहुत संरक्षित करने का भी काम करते हैं। यहाँ पर मैंने इन सब के साथ बहुत कुछ पूरे गांव में घूमी हूँ मैं और सबसे बातचीत भी की और जिस तरह से यहाँ टूरिज़्म की संभावनाएँ हैं, पोटेंशियल बहुत है कि यहाँ पर हम लोग टूरिस्ट को भी लेके आए और जो रूरल लाइफ है उसका भी उनको एक्सपीरियंस हो। क्योंकि क्या है कि हमारे जो टूरिस्ट है, फॉरेन टूरिस्ट हैं, इंडियन टूरिस्ट हैं, वो हमारे फोर्ट्स मॉन्यूमेंट्स तो देखते ही हैं लेकिन जो हमारे गांव का रहन सहन है उसका भी इनको अगर आनंद मिले, उसका भी एक्सपीरियंस मिले तो मुझे लगता है वो एक अलग चीज़ होगी। और जब हमारे पास इतना सुंदर यहाँ गाँव है देवमाली में तो क्यों ना हम उसमें पर्यटकों को लाने का भी प्रयास करें और यहाँ जो भी फैसिलिटीज़ की आवश्यकता है, यहाँ जो विकास की आवश्यकता है वो हमारी जो सरकार है वो बिल्कुल करेगी, पूर्ण रूप से करेगी। अभी